कहते हैं खुदा खूबसूरत जिस्म और खूबसूरत आवाज़ एक साथ किसी को नहीं देते, लेकिन इस अभिनेत्री ने इस कथन को सिरे से गलत साबित किया। उनकी खूबसूरती और उनकी गजब की सुरीली आवाज़ का मनमोहक संगम था। वो अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों की रगों में खिंचाव पैदा करने में सक्षम थी। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं अभिनेत्री और सिंगर नूरजहां, जो अपने दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को पाकिस्तान में हुआ था। एक पंजाबी परिवार में जन्मी वो अपने माता पिता के 11 बच्चों में से एक थी। उनके परिवार में उनको बेहद पसंद किया गया था, इसीलिए उनके माता पिता ने उन्हें उस करियर मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता की। भले ही वासाई को अभिनय में अधिक रुचि थी, 5 साल की उम्र में वो पहले से ही पारंपरिक लोक और प्रसिद्ध थिएटर में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी थी। इस तरह की प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने माँ को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के तहत अपनी ट्रेन बनाया, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने की परंपरा में अपना पाठ दिया। उन्होंने ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी के शास्त्रीय रूप भी सीखे। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय और बाद में पाकिस्तान दोनों में काम किया। उनके करियर ने उन्हें 6 दशकों में फैलाया। नूरजहां की असाधारण प्रतिभा ने उन्हें पाकिस्तान में सम्मानजनक खिताब मलिका ए तरुन्नम अर्जित किया। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और अन्य शैलियों में अच्छी तरह से फिट होने में सक्षम थी। नूरजहां के शानदार करियर में उनका पंजाबी, सिंधी, फारसी, पश्तो और उर्दू सहित भारतीय और पाकिस्तानी दोनों भाषाओं में 18,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड हुए। वो अहमद रुश्दी के साथ पाकिस्तानी सिनेमा में सबसे बड़ी संख्या में फिल्म साउंडट्रैक को आवाज देने का रिकॉर्ड रखती हैं। अभिनय के क्षेत्र में उनका करियर और फिल्म उद्योग ने उन्हें पहली पाकिस्तानी फिल्म निर्देशक के रूप में भी देखा। उन्होंने फरीद, खानदान जैसी फिल्मों में भूमिका निभाई, जो 1942 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। भारत में एक सफल करियर के बाद नूरजहां फिर से 1947 में अपने पति रिजवी के साथ पाकिस्तान चली गई। परिवार ने तब कराची में बसने के लिए अपना घर बंबई छोड़ दिया था। उस देश में उनकी पहली फिल्म सन 1951 में संतोष कुमार के सामने चैनवी में थी। ये उनकी पहली पंजाबी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक नायिका और गायिका दोनों की भूमिका निभाई थी। दूसरी बात, उन्होंने शौकत हुसैन रिजवी के साथ फिल्म में निर्देशक के रूप में काम किया, जिससे वो पहली पाकिस्तानी फिल्म महिला निर्देशक बनी। सन 1952 में उन्होंने सिबस्टेन फाजली द्वारा निर्देशित और असलम लोधी द्वारा निर्मित दोपट्टा में एक भूमिका निभाई। ये फिल्म पहले से भी ज्यादा धमाकेदार थी। सन 1954 के भीतर उन्होंने तलाक ले लिया और सन 1959 में अभिनेता एजाज दुर्रानी से शादी कर ली, जिसने उन्हें अभिनय के लिए मजबूर किया। सन 1961 में उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में एक भूमिका निभाई और उस फिल्म ने एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में अपनी साख को मजबूत किया। उनकी अगली फिल्म थी कैदी, जो सन 1962 में आई, जहां उन्होंने फैज अहमद फैज की प्रस्तुति दी। मुझसे पहली सी, मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगे और रशीद अत्रे के संगीत एक साथ गीत के रूप में एक कविता का पाठ किया। उनकी आखिरी फिल्म सन 1963 में आई। अभिनय के क्षेत्र में बढ़ते हुए उन्हें अपने बढ़ते हुए परिवार और उससे निकलने वाली मांगों को संभालना था। सभी में उन्होंने 4 पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया, 10 में उर्दू और 14 पाकिस्तानी फिल्मों में अपने करियर में 33 साल तक काम किया। नूरजहां ने अभिनय को छोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह से फिल्म उद्योग को नहीं छोड़ा। साल 1960 में उन्होंने फिल्म सलमा में गायिका के रूप में शुरुआत की। उन्होंने सन 1951 में पहले ही पाकिस्तानी फिल्म चन्नावे में एक गायन का काम किया था। उन्होंने मसूद राणा, मेहंदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, अहमद रुश्दी और मुजीब आलम की जोड़ी के साथ युगल गीत बनाए। नूरजहां ने सन 1990 के दशक में अपनी शुरुआत के दौरान अभिनेत्रियों रीमा और नीली के लिए गाया।
वो 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान विशेष रूप से अपने देशभक्ति गीत के साथ प्रतिष्ठित गायिका बन गईं। उन्होंने सन 1971 में टोक्यो में विश्व गीत समारोह के दौरान पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। साल 1986 में उत्तरी अमेरिका में एक दौरे के दौरान उन्होंने अपने सीने में दर्द की शिकायत की और बाद में एंजाइना पेक्टोरिस का निदान किया गया। निदान के बाद उन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई। उन्हें साल 2000 में दिल का दौरा पड़ा और उन्हें कराची अस्पताल ले जाया गया। उसी वर्ष 23 दिसंबर को दिल की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। नूरजहां को कराची के सऊदी वाणिज्य दूतावास के पास गिजरी कब्रिस्तान में दफन दिया गया था और इतने महान कलाकार को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। कहते हैं कि बहुत से दर्शकों की दिलों की धड़कन हुआ करती नूरजहां, और उनके चाहने वाले उनके साथ भी बहुत ज्यादा थे और उनके बाद भी बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता कि कैसा जादू था उनकी आवाज में, तो आप अभी विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल सुनहरे गीत पर और महसूस कीजिए उनकी सुरीली आवाज का जादू। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com।